हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हो तो आज की वीडियो देख के अच्छे होने वाले हैं, स्पेशली वो वाले दोस्त जिनको मेकअप पसंद है। आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन। ये जो रूटीन है एवरीडे के लिए नहीं है, ऑब्वियसली ये सिर्फ और स्पेशल ओकेजन्स के लिए है, या जब आपको अपने स्कार्स को या अपनी स्किन को फ्लॉलेस फेक करना है उन दिनों के लिए। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पूछा था आपसे कि हम अफोर्डेबल या हाई एंड करें। अफोर्डेबल को ज़्यादा वोट्स मिली हैं तो हम इस वीडियो में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे। मैंने पास्ट में बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं हूँ समवन जिसके चेहरे पे स्कार्स हैं, जो पता नहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं फिलहाल के लिए। तो उनको कवर करने के लिए मुझे फाउंडेशन रूटीन यूज़ करती हूँ मैं, ये वाला, और ये मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। और मुझे लगा कि अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी तो होपफुली कोई आउट देयर दोस्त है जिसके चेहरे पे स्कार्स हैं या एक्ने हैं, वो उसको छुपा सकते हैं समटाइम टेम्प्रेरी। यू नो, जो मेकअप है वो आपको टेम्प्रेरी आपकी चीज़ों को हाइड कर देता है, ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। सो आपको इस टेम्प्रेरी सोल्यूशन के साथ साथ कुछ परमानेंट के लिए भी करना चाहिए। कोई DIY यूज़ करें, रटन ऑयल करें, या कुछ ना कुछ अपने स्कार्स को लेकर करते रहें ताकि लंबे रन में वो बेचारे ठीक हो जाएँ। और या बहुत ज्ञान हो गया मैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने ये फ्लॉलेस फाउंडेशन बेस क्रिएट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वो मुझे बहुत हेल्प करता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मैं आपको अच्छी लगूंगी तो। सब्सक्राइब करते हुए बेल को भी क्लिक कर देना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स दिए हैं मेरे सोशल मीडिया के, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, टिकटॉक पर, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे आपको अगर आप करना चाहते हैं तो। सो या दैट्स इट, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, तो देख लें मेरा चेहरा स्कार्स वाला। ओके, लकीली मेरे चेहरे पे इस समय पिंपल्स नहीं है, पर मेरे चेहरे पे स्कार्स है जो जाने का नाम ही नहीं लेते, और ये स्कार्स हाइपर पिगमेंटेशन में बदल चुके हैं। ओके दोस्तों, मैंने बोलना चालू कर दिया था और मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, तो क्या किया है उस समय में मैंने लगाई है क्रीम, क्योंकि जब आप अपना फेस मेकअप तैयार करते हैं आपको क्रीम लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्रीम नहीं लगाते हैं तो जो अच्छा बेस तैयार नहीं होगा। आपकी स्किन का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, जैसी भी है, उससे एप्रोप्रिएट मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर लगाएं, जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए अपनी स्किन की कंडीशन के हिसाब से प्राइमर यूज़ करें। ड्राई स्किन है, हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाएं जब आप फाउंडेशन लगाएं तो चिपचाप और ड्राई और पैचेस नहीं बने। ऑयली स्किन है तो मैटिफाइंग प्राइमर लगाएं। मेरी स्किन का कंसर्न है कि ये जो पोर्स हैं बहुत ही मज़े से हेलो हाय बोलते रहते हैं, उनको छुपाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ पोर फिलर प्राइमर। सो यहाँ पे मैं ये जो मैंने प्राइमर ऑलरेडी यूज़ कर लिया है वो है निक्स का पोर फिलर। इसे हम अच्छी अमाउंट में लेते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, जेनरसली लें। इसे अपने पोर वाले एरिया पर लगाएं। इसको लगाने का ये है कि इसको प्रेस डैब डैब करके लगाना है हमें, स्प्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो पोर्स हैं वो फिल हो जाए और हमारा ये जो फाउंडेशन का कैनवस है बहुत ही अच्छा प्लेन हो जाए, ताकि जब भी आप फाउंडेशन कुछ भी लगाएं वो पोर्स में नहीं जाए और दिखे नहीं आपके पोर्स। सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पोर्स को छुपाने के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम हमारे पोर्स को कैसे छुपाएं फाउंडेशन के साथ। फाउंडेशन के साथ आपके पोर्स नहीं छिपते हैं, पोर्स किसी पोर फिलिंग प्राइमर के साथ छिपते हैं। अब बारी आती है कलर कंसील करने के लिए, क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो हमें कलर कंसील करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कार्स हैं। सो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ निक्स का ये कलर करेक्टर, जो कि ऑरेंज है, जिसका एक्चुअल में क्या नाम है मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम है ऑरेंज। इसे मैं मेरी फिंगर के साथ लूँगी और उन जगहों पर लगाऊंगी जिससे मुझे कलर करेक्ट करना है, स्पेशली मेरी डार्क सर्कल्स, क्योंकि ये काले हैं। सो इस पे लगाऊंगी मैं और इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अगली चीज़ करेंगे, इसे मैं अपने स्कार्स पे लगा लूँगी। यूजली ये जो मेरे स्कार्स हैं ये सारे ब्लैक हैं, लाइक रेड नहीं है। अगर रेड होंगे तो आपको यूज़ करना है ग्रीन। सो बिकॉज ये ब्लैक हैं तो ऑरेंज इसको कलर कंसील कर देगा, लाइक कट कर देगा जब हम फाउंडेशन लगाएंगे वो। उसके नीचे से ये पिक नहीं करेंगे, यूजली अगर आप सीधा से फाउंडेशन लगा लेते हैं वो नीचे से पिक करता है, जिसको छुपाने के लिए आप और फाउंडेशन लगाते हैं और लगाते हैं और लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं जो आपको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम ब्लेंड करेंगे ब्रश के साथ ही, आप हैंड के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, पर इसको ब्लेंड करने का क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, हमें इस कलर को अपनी स्किन पर रखना है पर हार्श लाइन्स को ब्लेंड करना है। सो बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करें, और जब आप इसको ब्लेंड करके डन है तो आपको इसको सेट होने के लिए वेट करना है। एकदम से अगर फाउंडेशन लगाएंगे तो वो इस ऑरेंज के साथ मिक्स हो जाएगा
और आपका चेहरा हो जाएगा ऑरेंज. सो इसको अराउंड 50-60 सेकेंड सेट होने दें. जब ये सेट हो जाता है तभी फाउंडेशन लगाएं. आज ही मैंने सुबह किसी का मैसेज पढ़ा है कि जब वो ऑरेंज कंसीलर यूज़ करते हैं उनके फेस को ऑरेंज कर देता है. सो उसके लिए आपको उसको सेट होने देना है, देन अगला प्रोडक्ट यूज़ करना है. और अपने हाथ को बहुत हल्का रखना है ताकि दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो जाए. दोस्तों मेरी स्किन है ऑयली और मेरे बाल भी बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं. यार मेरे बाल दो दिन तक ही ठीक रहते हैं, तीसरे दिन ऑयली हो जाते हैं. और मेरी कोशिश होती है उनको कम से कम वॉश करने की. अगर आप अपने बालों को कम वॉश करते हैं तो वो कम ऑयल प्रोड्यूस करता है, पर फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. मैं बहुत परेशान हूँ यार इस बालों से. सो ऑयली बाल इतने अजीब लगते हैं ना मुझे, मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ. नीचे से बिल्कुल ठीक है, ऊपर से ऑयली है, समझ नहीं आता है बालों का क्या करूँ. बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है. सो जब तक ये मेरा ऑरेंज सेट होता है मैं आलतू फालतू चीज़ें कर लेती हूँ, टाइम पास कर लेती हूँ. लाइक बालों को लाइक स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे चेहरे पे क्या अच्छा लगेगा. इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. बालों को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब कुछ अजीब लग रहा है मैन. आपके बाल भी बहुत ऑयली हैं प्लीज़ बताना मुझे, फिर थोड़ा ना मॉरल सपोर्ट मिलती है, थोड़ा हैप्पी फील होता है. सो अब मुझे लगता है कि मेरा जो कंसीलर है कलर कंसीलर है अच्छी तरह सेट हो चुका होगा. अब पारी आती है फाउंडेशन लगाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो क्योंकि ये वीडियो है अफोर्डेबल फाउंडेशन की. सो मैं या तो यूज़ करूँगी मिलानी का फाउंडेशन क्योंकि ये अफोर्डेबल है और इसकी जो कवरेज है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है. इसका नाम है कंसील प्लस परफेक्ट. सो ये 2-in-1 है कंसीलर एंड फाउंडेशन, जिसकी वजह से इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है. जो मेरा शेड है वो है 05A नेचुरल बेज. और मैंने कई बार मैसेज पढ़ा है कि तुम्हारा जो शेड है हम भी वही वाला शेड खरीदेंगे, पर ऐसे मत करना, अपने ऊपर टेस्ट करके लेना क्योंकि स्क्रीन से पता नहीं चलता है कि मेरा कलर कौन सा है. या तो हम यूज़ करना चाहेंगे ये वाला फाउंडेशन. और दूसरी अच्छी ऑप्शन है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. जो मैं यूज़ कर रही हूँ शेड उसका नाम है डेजर्ट बेज. और ये भी बहुत अच्छा फाउंडेशन है, बहुत अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. कलर मैच मेरे साथ बहुत अच्छा है और कवरेज बहुत अच्छी है और लास्टिंग तो इतनी अच्छी है इसकी कि सारा दिन सेम ही रहता है. हमारी सेकेंड ऑप्शन हो सकती है ये. और अगर आप मेबलिन के फाउंडेशंस के फ़ैन हैं, मैं भी हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, फिनिश बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसमें. और जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो है 220 नेचुरल बेज. ये फाउंडेशन काफ़ी अफोर्डेबल है, इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी है. ये मेरा फेवरेट है बहुत सालों से, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है. जो मैं इसका शेड यूज़ करती हूँ वो है 310 सन बेज. मेबलिन के शेड्स का मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोई मुझ पर अच्छा लगता है 220, कोई 210, कोई 230, कोई 310, 330. सो पता नहीं कैसे शेड्स हैं उनके. सो कौन सा यूज़ करें? ओके, हम मिलानी यूज़ करते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये. सो इसमें पम्प भी है, इसका हम लेंगे 2 पम्प. वैसे एक पम्प से भी चलता है पर 2 पम्प्स ले लेंगे. ब्रश के लिए जो मैं ब्रश फाउंडेशन लगाने के लिए यूज़ करती हूँ वो है ऐसा एंगल ब्रश जो कि बहुत डेंस है. कुछ ऐसा ही ब्रश यूज़ करें आप क्योंकि इससे फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है, कवरेज बहुत अच्छी आती है और आपका फाउंडेशन फ्लॉलेस लगता है. और अगली बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत क्विक लगता है, लाइक बहुत समय वेस्ट नहीं होता. बहुत साल पहले अराउंड 2009 या 10 में मैं फाउंडेशन लगाती थी मेरे हैंड्स के साथ और तब मुझे लगता है कि हैंड्स बेस्ट काम करते हैं. एक्चुअली हैंड्स करते भी होंगे बेस्ट काम क्योंकि कि हैंड्स की हीट और फाउंडेशन वो मिक्स होकर बहुत अच्छी फिनिश आती है. पर बिकॉज हैंड्स उतने हाइजेनिक नहीं है जितने ब्रशेज़ हैं, क्योंकि हैंड्स हम वॉश करना भूल जाते हैं या यू नो कंटेमिनेट हो जाते हैं बहुत ईजीली. सो ब्रश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फाउंडेशन लगाने के लिए. हेयर देयर मैं स्पंज भी यूज़ कर लेती हूँ पर जो ब्रश की फिनिश है वो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है. सो इस ब्रश पे मैं बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अमाउंट लूँगी. सो इस ब्रश पे मैं बहुत नहीं, बहुत थोड़ी सी अमाउंट लूँगी, लाइक समथिंग लाइक दिस. और उसे मेरे चेहरे पर स्प्रेड कर लूँगी डॉट डॉट में हर तरफ. अगर मुझे लगता है कि ये इनफ नहीं है मैं थोड़ा सा और प्रोडक्ट लेके यहाँ इस एरिया में स्प्रेड करूँगी क्योंकि इस एरिया में सबसे ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है. मेरे यहाँ पे स्कार्स हैं पर अगर आपके स्कार्स नहीं भी हैं तब भी आपको इस एरिया में सबसे ज़्यादा कवरेज चाहिए क्योंकि ये वाला एरिया यू नो ऐसे होना चाहिए. मस्त कवरेज एंड शाइनी, देन आई होप आई मेकिंग सेंस. सो जब ऐसे मैंने फाउंडेशन को स्प्रेड कर लिया, अब मैं ब्लेंड करना शुरू करती हूँ. ब्लेंड करने के लिए मैं डैबिंग मोशन यूज़ करती हूँ, लाइक डैब 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 करते हुए इसको ब्लेंड कर देती हूँ. मैं कोई भी ऐसे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ समटाइम्स सर्कुलर कर लेती हूँ पर डैब 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 इज़ माई फेवरेट मोशन लाइक पैक. और मैं हमेशा शुरू करती हूँ चिन से क्योंकि उससे मुझे लगता है कि ब्रश थोड़ा लाइट हो जाता है देन मेरी चीक्स को एंड बाकी फेस को.
सो वैसे ही करेंगे हम। इस फाउंडेशन के शेड का भी मैच मेरे साथ काफ़ी अच्छा है। अपने कानों को बिल्कुल मत भूलें। अब जो बचा हुआ फाउंडेशन है उसे मैं उसी ब्रश पे लूँगी, ऑलमोस्ट सारा ले लेंगे। ऐसे मैं अपनी गर्दन पे लगा लेती हूँ और फिर हम पैटिंग मोशन में अप्लाई करेंगे। ब्लेंडिंग पे खूब सारा समय स्पेंड करें क्योंकि ब्लेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे अराउंड फ्यू सेकेंड्स अगेन सेट होने देंगे। अब बारी आती है कंसीलर लगाने के लिए। कंसीलर हम यूज़ करेंगे अगर अभी भी हमारे चेहरे पे स्कार्स दिख रहे हैं या फिर हमारे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए या फिर अंडर आई को छुपाने के लिए। सो मेरे स्कार्स थोड़े थोड़े अभी भी दिख रहे हैं क्योंकि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, सो हम पूरी कवरेज देंगे। अदरवाइज़ मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, ये सिर्फ फुल कवरेज के लिए या स्पेशल इवेंट्स के लिए मेकअप बेस है। सो कंसीलर के लिए जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो भी हम मिलानी का करेंगे क्योंकि ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। इसकी फिनिश बहुत अच्छी है और ब्लेंड करना बहुत आसान। सो जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ वो नेचुरल सैंड है, 150 नंबर है इसका। सो इसे मैं लूँगी, मेरे डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे थोड़ा क्योंकि हाईलाइट करने से पहले हमारी कोशिश है कि जो हमारे सर्कल्स हैं डार्क वो छुप जाएँ, उसके बाद हम हाईलाइट करेंगे। सो थोड़ा मैं इसे अपने स्कार्स वाले एरिया पे लाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, नन्ही सी अमाउंट क्योंकि ये बहुत हाई कवरेज किस्म का है ना ही अच्छा है। और सो इसे हम कर लेंगे ब्लेंड सेम ही ब्रश के साथ। सो वंस हम इस कंसीलर से डन है, अब बारी आती है हमारे चेहरे को हाईलाइट करने के लिए। उसके लिए आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं पर मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, और उस कंसीलर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम नहीं होगा, मिल गया। सो उसके लिए हम अफोर्डेबल निक्स का HD कंसीलर यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसको ब्लेंड करना अगेन बहुत आसान है। जब मैं फेस के बेस प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ ब्लेंड करना आसान है, उसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ अच्छे जाते हैं। ना समटाइम होता है कि एक प्रोडक्ट लगाया वो दूसरे के साथ अच्छा ब्लेंड नहीं होता और वो अजीब से दिखता है, और ये जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सेम ही प्रोडक्ट है। सो हाईलाइट के लिए ये निक्स का HD कंसीलर यूज़ करूँगी जिसका शेड है CW04। सो इसे लगाएंगे हम उस एरिया में जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं, स्पेशली आइज़ का ये वाला एरिया। ये जो फाउंडेशन है रूटीन, ये हर एक के लिए नहीं है और एवरी डे के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों के लिए है जिन्हें मेकअप करना अच्छा लगता है। हम लगाएंगे थोड़ा सा इस एरिया में क्योंकि हम चाहते हैं हमारी चीक बोन बहुत ही शार्प अच्छी दिखें, थोड़ा सा चिन पे, नोज़ पे, थोड़ा सा फोरहेड पे। आज मैं मेरे चेहरे को थोड़ा सा कॉन्ट्रोल भी करूँगी। सो हम कॉन्ट्रोल के लिए स्पेशल वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे, पर मैं क्या करूँगी जो एरिया मुझे कॉन्ट्रोल करने हैं लाइक शेडो क्रिएट करना है वहाँ पे मैं डार्क कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ। ये भी मैं सेम निक्स का HD कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड है 08। तो इसे हम उन एरिया पर लगाएंगे जिससे हमें शेडो क्रिएट करना है। इसे मैं इसी समय इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब तक मैं दूसरी चीज़ें ब्लेंड करूँ ये थोड़ा सेट हो जाए। सेम ब्रश लेके हम पहले लाइट वाला शेड ब्लेंड करना शुरू करेंगे डैबिंग मोशन में। सो अब मैं लेने वाली हूँ क्लीन एंगल ब्रश जो कि है मॉर्फी से E7। इससे मैं कॉन्ट्रोल वाला शेड ब्लेंड करूँगी और हमारा कॉन्ट्रोल का शेड हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे। ये हेयर लाइन को कॉन्ट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वाइट सा अलग सी फिल्म दिखती है कि यार आ किया। सो यहाँ पे कॉन्ट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारे शेड्स नेचुरल लगे, जैसे आप कोई पेंटिंग पेंट कर रहे हो मैम। और ये वाले कॉन्ट्रोल को हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कॉन्ट्रोल पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। नोज़ वाले एरिया को कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ बहुत छोटू सा। सो इसे हम डैबिंग मोशन में ब्लेंड करेंगे, पर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऊपर की तरफ करें। इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर वन वीडियो, डोंट वरी अबाउट कॉन्ट्रोलिंग, जस्ट वरी अबाउट फुल कवरेज फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन कंसीलर एंड बहुत बेसिक कॉन्टोरिंग हो चुकी है, अब बारी आती है सेट करने के लिए। अब हम सेट करने के लिए दो चार डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे लूज पाउडर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कट्रीज़ का लाइट एल्यूजन पाउडर, जिसे मैं अंडर आइज़ के लिए यूज़ करूँगी या फिर मेरे फेस को बेक करने के लिए यूज़ करूँगी बिकॉज़ आई वॉन्ट कि वो लंबे समय तक टिका रहे। चिक एरिया पे मैं यूज़ करने वाली हूँ निक्स का नो फिल्टर पाउडर बिकॉज बहुत अच्छा एंड ब्लर फिनिश देता है ये पोर वाले एरिया को। और कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिटी ब्राउन्जर मेबलिन का, जो कि टूटा फूटा है, जिसका मतलब टक्कन टूट गया है। सो ये यूज़ करूँगी मैं। सो मैं यूज़ हमेशा करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मैं डार्क पाउडर के साथ।
हमेशा, आई डोंट नो क्यों, फिर मुझे लगता है कि फेस में थोड़ी सी फिनिश आ रही है तो बाकी चीज़ें यूज़ करो, या फिर हम लूज़ पाउडर के साथ शुरू कर लेते हैं, या फिर लूज़ पाउडर के साथ शुरू कर लेते हैं। तो कटरीज को मैं लूँगी टक्कन के ऊपर, खूब सारी अमाउंट ले लेते हैं। सो कोई भी ब्रश यूज़ कर लो जिसके साथ मैंने फाउंडेशन यूज़ किया वही ले लूँगी मैं, और इसे मेरे उस एरिया में लगाऊंगी जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये, और इसे मैं ना मेरी आईज़ के नीचे भी लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मैं फिर आई मेकअप करूँगी तो वो अगर इसके ऊपर गिरेगा तो फेस मेकअप ख़राब नहीं होगा। ये स्टेप उन दोस्तों के लिए है जो आई फेस मेकअप मेरी तरह पहले कर लेते हैं, आई डोंट नो, मुझे पहले करना ही अच्छा लगता है। तो मैं इसे बहुत लाइट हैंड के साथ इसके ऊपर लगा लूँगी, क्योंकि ये आपकी आईज़ के कंसीलर को सेट भी बहुत अच्छी तरह करता है, लाइक क्रीजेस में भरता नहीं है, और या बहुत गंद पाता है यार मैं नीचे। सो इसे मैं फोरहेड पे भी लगा लूँगी थोड़ा सा। ओके, अब हम यूज़ करेंगे डार्क एरिया में सिटी ब्रॉन्जर। सो यस, इसी तरह हम हेयर लाइन में लगा लेंगे थोड़ा सा इस एरिया में, डन। अब हम लगाएंगे ये वाला, जिस एरिया में हमने पाउडर नहीं लगाया है वो सारे बचे खुचे एरिया में हम लगाएंगे ये वाला पाउडर। अच्छी अमाउंट लूँगी मैं फ्लैट ब्रश पे, इस एरिया को कर दूँगी सेट। सब बचे अब बहुत कम है वैसे जगह पर, या अब मैं वापस आती हूँ मेरा फेस मेकअप करने के आई मेकअप करने के बाद, देन हम इसे करेंगे और सेट, बहुत सेट। ओके, सो आई एम बैक विद माय आई मेकअप ऑन। चिंता मत करें, मैंने इसकी वीडियो शूट की है, होपफुली ये ऑलरेडी पहले ही जा चुकी होगी चैनल पे। अगर ये पहले जा चुकी होगी तो मैं इसका लिंक नीचे छोड़ दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड है ब्राउन स्मोकी आई के लिए, क्योंकि ये बहुत आसान है और जो स्मोकी मेकअप क्रिएट करने वाले लोग हैं उनका थोड़ा पोस्ट पूरा हो जाता है। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश के लिए आजकल मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, सो अब हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का ये नन्नू सा ब्रश जिसका नाम है पार्टी ड्रेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लशी पिंक पीची किस्म का ब्लश है, आई होप आप देख सकते हैं, और इसे मैं लूँगी फ्लैट ब्रश पे और अपने एप्पल्स पे लगा लूँगी। अब यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का हाइलाइटर, इसके शेड का नाम है सन ग्लो, और इसे मैं यूज़ करूँगी एक छोटे से ब्रश के ऊपर समथिंग लाइक दिस, और मेरे हाई पॉइंट्स पे लगा लूँगी। मेरी मैं कैसे हाईलाइट करती हूँ कि अच्छी अमाउंट लगाती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं पर इतनी कि विजिबली दिखे और अजीब लगे, उतनी लगाऊंगी चिन पे, नोज़ पे, और देन यूज़ करूंगी मैं ब्रश जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया है। कितने गया यार ब्रश, ब्रशा ने काम खराब किया। सो उस ब्रश के साथ मैं इसे डैब डैब कर दूंगी ताकि ये मेरी स्किन में स्मज हो जाए और दिखे पर बहुत नकली नहीं दिखे। सो लास्ट स्टेप होने वाला है फेस को सेट करना। फेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार जब आप इतने प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो अजीब से दिखते हैं, या फिर कई बार ड्राई सा लगता है चेहरा जब आप पाउडर यूज़ करते हो, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनकी स्किन ड्राई है, या फिर यू नो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया मैन। जब आप सेटिंग्स पे यूज़ करते हो सारा कुछ सेटल हो जाता है, सारा कुछ मेल्ट डाउन हो जाता है एक दूसरे के अंदर, एंड बहुत ही अच्छी फिनिश आती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो शाइनी एंड लूमी दिखने वाला स्प्रे यूज़ करें, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करें, मैटिफाइंग स्प्रे यूज़ करें। मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का लॉन्ग लास्टिंग स्प्रे जो कि आपके मेकअप को सेट रखेगा 16 आवर्स तक, और मैट फिनिश है इसकी। अभी मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मैट फिनिश अच्छी लगती है, वैसे भी मुझे मेबलिन के बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मुझे ये वाला भी बहुत अच्छा लगता है, और इसकी ट्रांसलूसेंट लिखा है फिनिश एंड ऑयल फ्री है, आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई, जैसी भी आप पे अच्छा लगेगा ये। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक वाला, नया है और नई चीज़ें यूज़ करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो अच्छी अमाउंट में मैं स्प्रे कर लूँगी अपने चेहरे पे। मैं इतना स्प्रे कर लेती हूँ कि दिखता है मुझे कि पानी पानी हो गया चेहरा। और क्या कहना चाहती थी मैं, कुछ कहना चाहती थी यार दोस्तों, ये ब्रेन फॉग है ना जो मुझे याद नहीं रहता क्या कि मैं क्या करना क्या चाहती थी। अपने इयररिंग्स को हमेशा क्लीन कर लें जब आपने मेकअप पहने, मेकअप लगाने से पहले पहने होंगे, क्योंकि उन पर फाउंडेशन लग जाता है बहुत गंदा लगता है। और अब अपने बालों को देख लें कि कितना स्टाइल करने हैं, और मेरे बाल बहुत ऑयली हैं जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। सो यस, हमारा फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन हो चुका है डन। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिश आई है और कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, अफोर्डेबल हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आपने किया है तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई मेकअप से रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो ज़रूर ज़रूर से कमेंट बार में छोड़ें।
सो अगर आप इन लैशेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरी खुद की लैशेस हैं, सिमोर लैशेस। मेरी लैशेस की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। ये जो मैंने स्टाइल पहना है आज, इसका नाम है ऑजी। मेरे पास 6 डिफरेंट स्टाइल्स हैं और हम 3 न्यू स्टाइल्स लेके जल्दी ही आ रहे हैं। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं, हम वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं, मैंने मेरी वेबसाइट का लिंक दिया है नीचे, जल्दी से जाएं और ख़रीद लें। और दैट्स इट, मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, बाय, लालू।